अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर एक्सेस मेमोरी स्कीम्स। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मेमोरी इंटरलीविंग पढ़ लेना है, स्पेशली लो ऑर्डर इंटरलीविंग, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि वेक्टर एक्सेस स्कीम मेमोरी स्कीम्स का मतलब क्या है कि वेक्टर को हमें एक्सेस करना है मेमोरी से। मतलब वेक्टर क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्केलर डेटा, ठीक है। जैसे एरे होता है वैसे ही वेक्टर होता है जिसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी से हमें वेक्टर को एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं वो इसमें पढ़ना है। तो जो वेक्टर एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं होते हैं जैसे एरे होती है। एरे हमेशा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, लेकिन वेक्टर एलिमेंट्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हो उनका। नॉर्मली उसमें क्या किया जाता है, मेमोरी इंटरलीविंग का यूज किया जाता है जिससे हम कॉन्करेंट एक्सेस कर पाए। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि पाइपलाइनिंग फैशन में, यानी ओवरलैपिंग के फॉर्म में वेक्टर्स को एक्सेस कर पाए जिससे कम टाइम में हम ज्यादा वर्ड्स को मेमोरी से एक्सेस कर पाए। और मेमोरी इंटरलीविंग इसीलिए की जाती है, तो वेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए मेमोरी इंटरलीविंग यूज करके पाइपलाइन फैशन में वर्ड्स को एक्सेस किया जाता है। तो वेक्टर एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरली स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। वेक्टर ऑपरेंड शुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी टू अलाउ pipelined and parallel access. So the flow of vector operands between the main memory and vector register is usually pipelined with multiple access path. तो vector operands को इस टाइप से memory में store किया जाता है जिससे क्या हो, उससे pipelined और parallel access में उनकी value को access किया जा सके। तो जो vector operands होते हैं वो main memory और vector register के between इस टाइप से ट्रांसफर होते हैं जिससे क्या हो, हम उसको उस वेक्टर्स को पाइपलाइनिंग यूज करके मल्टीपल मेमोरी एक्सेस पाथ से उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। यानी मल्टीपल एक्सेस पाथ यूज करके हम उसे पाइपलाइन मैनर में एक्सेस करते हैं जिससे क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा वर्ड्स एक्सेस हो पाते हैं। तो यहां पर इंटरलीव्ड मेमोरी मॉड्यूल्स अलाउ ओवरलैप्ड मेमोरी एक्सेस। हम ओवरलैप्ड मेमोरी एक्सेस कैसे, यानी पाइपलाइनिंग कैसे अचीव कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरलीव्ड मेमोरी मॉड्यूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर एक्सेस मेमोरी स्कीम्स। थ्री टाइप्स की होती हैं, सी एक्सेस, सी इज फॉर कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और सी बाय एक्स मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉन्करेंट एंड साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थ्री ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है सी एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सी इज फॉर कॉन्करेंट। यहाँ पर एम वे लो ऑर्डर इंटरलीविंग जो होती है उसी को ही सी एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जो लो ऑर्डर इंटरलीविंग में मैंने थ्योरी लिखवाई है, आपको यहाँ भी वही वाली थ्योरी एक्सप्लेन करनी होगी। इन सी एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एम मेमोरी वर्ड्स टू बी एक्सेस कॉन्करेंटली इन एन ओवरलैप्ड मैनर। तो सी एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम मेमोरी वर्ड्स को एक्सेस किया जाता है कॉन्करेंटली इन एन ओवरलैप्ड मैनर, ठीक है। कॉन्करेंटली मतलब पैरेलल नहीं है, साइमल्टेनियस नहीं है। पैरेलल और साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। कॉन्करेंटली टर्म कब यूज किया जाता है, अब जब ओवरलैपिंग होती है। तो आगे हम एक डायग्राम से देखेंगे कि कैसे जो वर्ड्स हैं वो ओवरलैप्ड मैनर में एक्सेस होते हैं। तो क्योंकि लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में क्या होता था, वर्ड्स जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होते थे वो हॉरिजेंटली मॉड्यूल्स में स्टोर होते थे। जैसे जीरो वाला वर्ड यहाँ पर होगा, वन वाला वर्ड यहाँ, टू थ्री, इस टाइप से हॉरिजेंटली स्टोर होते हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव एम वर्ड्स हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स कितने हैं, एम मॉड्यूल्स हैं, तो जो एम वर्ड्स हैं वो कॉन्करेंटली एक्सेस होते हैं ओवरलैप्ड मैनर में सी एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर जो लो ऑर्डर ए बिट्स होती हैं वो किसको सिलेक्ट करती हैं, मॉड्यूल को, क्योंकि लो ऑर्डर इंटरलीविंग में यही होता है कि लो ऑर्डर बिट्स से हम मॉड्यूल को सिलेक्ट करते हैं, और हाई ऑर्डर बी बिट्स सिलेक्ट द वर्ड विद इन ईच मॉड्यूल। हर मॉड्यूल के अंदर जो वर्ड होगा उसको एक्सेस करने के लिए हायर ऑर्डर बिट्स का यूज होता है।
अब यहाँ पर मॉड्यूल्स हमारे क्या होंगे, m होते हैं विच इज इक्वल टू 2 to the power a और वर्ड्स होते हैं 2 to the power b, तो एड्रेस लेंथ कितनी होती है, n इक्वल्स टू a प्लस बी। यहाँ पर आपको सेम बाकी थ्योरी लिखनी है जो हमने लो ऑर्डर इंटरलीविंग में पढ़ी थी। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें कॉन्करेंट एक्सेस होता है, पाइपलाइंड एक्सेस होता है, m मेमोरी वर्ड्स जो हैं वो कॉन्करेंटली ओवरलैप्ड मैनर में एक्सेस होते हैं, तो कैसे होते हैं ये हमें देखना है। तो सी एक्सेस मेमोरी स्कीम में क्या होता है, एक्सेस ऑफ द एम मेमोरी मॉड्यूल्स कैन बी ओवरलैप्ड इन अ पाइपलाइन फैशन। पाइपलाइन फैशन में हम उसे ओवरलैपिंग करके एम मेमोरी मॉड्यूल्स को कॉन्करेंटली एक्सेस करते हैं इस स्कीम में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज 8-way इंटरलीव्ड मेमोरी है, 8-way मतलब 8 मॉड्यूल्स में मेमोरी को डिवाइड किया गया है, तो 8 मॉड्यूल्स हैं और सपोज हर मॉड्यूल के अंदर वर्ड्स भी 8 हैं, ठीक है, 8 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर, ऐसे 8 मॉड्यूल्स होंगे और हर मॉड्यूल के अंदर 8 वर्ड्स स्टोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 होता है 8, तो ए बी वैल्यू 3 है और बी भी वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होगा वर्ड्स भी, तो ए और बी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि जो एड्रेस बिट होंगी या नंबर एड्रेस लेंथ होगी वो कितने बिट्स की होगी, 3+3 यानी 6 बिट्स की होगी, ठीक है। उसमें से 6 बिट्स में से जो लो ऑर्डर ए बिट्स हैं वो मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होंगी और जो नेक्स्ट हाई ऑर्डर बिट्स हैं वो मॉड्यूल के अंदर जो वर्ड होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये डायग्राम, तो 8 मेमोरी मॉड्यूल्स हैं मतलब 8 वर्ड्स जो हैं वो कॉन्करेंटली ओवरलैप्ड मैनर में एक्सेस होते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं बोल रही होती कि पैरेलल एक्सेस हो रहा है, मतलब सभी मॉड्यूल्स में से एक साथ वर्ड एक्सेस हो रहे हैं, तो इस टाइप से होता, एक वर्ड को एक्सेस करने में अगर थीटा टाइम लगता तो सारे वर्ड्स जो हैं वो थीटा टाइम में, 8 वर्ड्स थीटा टाइम में एक्सेस हो जाते। लेकिन यहाँ पर हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, ओवरलैप्ड मैनर में डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वर्ड 1 है, पहले ये एक्सेस होना स्टार्ट होगा टाउ टाइम के बाद, ठीक है, ये मैं बताऊंगी थीटा क्या है टाउ क्या है। टाउ टाइम के बाद दूसरा वर्ड एक्सेस होना स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट टाउ टाइम के बाद नेक्स्ट वर्ड, इस टाइप से ओवरलैपिंग में जो है मॉड्यूल्स में से डेटा एक्सेस होता जाएगा, साइमल्टेनियस नहीं होगा, यहाँ पर ओवरलैप्ड मैनर में होगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, हर टाउ टाइम के बाद, इसे बोलते हैं माइनस साइकिल के बाद, हमें एक वर्ड एक्सेस होता जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगेगा इन 8 वर्ड्स को एक्सेस करने में, 2 थीटा। वैसे अगर हम ये पाइपलाइन मैनर में नहीं करते, ठीक है, तो उस केस में अगर हम सीक्वेंशियली एक्सेस करते तो कितना टाइम लगता हमें, 8 थीटा, क्योंकि एक वर्ड को एक्सेस होने का टाइम क्या है, थीटा, जिसे बोलते हैं मेजर साइकिल या मेमोरी साइकिल, ठीक है। एक वर्ड को एक्सेस करने का टाइम क्या होता है, थीटा। अगर ये ओवरलैपिंग में नहीं होता तो हमें कितना टाइम लग जाता, 8 थीटा, अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस करते, ठीक है। अगर ये पैरेलल एक्सेस होता तो पैरेलल एक्सेस की तो बात ही अलग है, हमें कम टाइम ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर पैरेलल एक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर पाइपलाइन एक्सेस पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, टोटल 8 वर्ड्स को एक्सेस करने का टाइम क्या है, 2 थीटा, ठीक है। क्यों 2 थीटा हो पाया या 8 थीटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर टाउ टाइम के बाद हमें एक वर्ड एक्सेस मेमोरी से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, मेजर साइकिल है, जिसे मेमोरी साइकिल भी बोलते हैं। ये टाइम यहाँ पर क्या है, मेजर साइकिल, थीटा इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्सेस ऑफ ए सिंगल वर्ड फ्रॉम अ मॉड्यूल। एक सिंगल वर्ड को मेमोरी से एक्सेस करने का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं मेजर साइकिल, और माइनर साइकिल जो हम टाउ बोल रहे हैं इज द एक्चुअल टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस वन वर्ड अज्यूमिंग ओवरलैप्ड एक्सेस ऑफ सक्सेसिव मेमोरी मॉड्यूल्स सेपरेटेड इन एवरी माइनर साइकिल टाउ। टाउ क्या है, एक्चुअल टाइम है जब एक वर्ड प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सेस हो जा रहा है। क्यों ऐसे टाउ टाइम में एक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ओवरलैप्ड एक्सेस की है सक्सेसिव मेमोरी मॉड्यूल्स की और उनको सेपरेट किया है हमने एक माइनर साइकिल टाउ से, ठीक है। तो टोटल एक्सेस टाइम तो हमें 2 थीटा लगेगा, अगर ये सीक्वेंशियल होता तो 8 थीटा लगता, लेकिन हमें 2 थीटा लग रहा है क्योंकि हमने ओवरलैपिंग यानी पाइपलाइन फैशन में वर्ड्स को एक्सेस किया है, ठीक है। तो हर टाउ टाइम के बाद आपको एक वर्ड एक्सेस होने लगेगा,
तो टोटल एक्सेस टाइम 2 थीटा है, बट इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ ईच वर्ड इज रिड्यूस्ड टू टाउ एज द मेमोरी इज कंटिन्यूअसली एक्सेस्ड इन अ पाइपलाइन फैशन। अब यहाँ पर देखो, थीटा मेजर साइकिल है मेमोरी साइकिल, और टाउ जो है माइनर साइकिल, इनमें क्या रिलेशनशिप है? जो टाउ है विच इज इक्वल टू थीटा बाय एम, वेयर एम इज डिग्री ऑफ इंटरलीविंग। यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ इंटरलीविंग 8 है तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाय 8। तो थीटा की वैल्यू जो भी होगी उसको 8 से डिवाइड कर दोगे, उतने टाइम के बाद हमें एक एक वर्ड जो है, हर टाउ टाइम के बाद हमें एक वर्ड एक्सेस हो जाता है मेमोरी से।